जबलपुर में 25 वर्षों से लगातार जारी सट्टे जिंदा बली अवैध व्यवसाय के खिलाफ कॉलोनी वासी लामबंद नजर आए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खड़े ये सभी लोग महात्मा गांधी वार्ड के अंतर्गत सिंघई कॉलोनी निवासी एक परिवार से पीड़ित हैं, जो अपने भाई के साथ अवैध रूप से सट्टे और अन्य अवैध गतिविधियों को संचालित कर कॉलोनी वासियों को परेशान कर रहा है। जानकारी देते हुए कुछ लोगों ने बताया कि नरेश ब्रजेश और गणेश ठाकुर द्वारा लगातार 25 वर्षों से उपरोक्त अवैध कारोबार का संचालन किया जा रहा है। 12x6 फीट कंजर्वेंसी की रोड में अवैध नक्शे का मकान बनाकर जुआ सट्टा और जिंदा बलि का अवैध व्यापार किया जा रहा है। भय व्याप्त करने से ये लोग किसी को भी लड़ाई झगड़ा कर घायल कर देते हैं। अपने रसूख के चलते रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती तथा इन लोगों पर एक साथ एवं अलग अलग लगभग 200 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अभी तक NSE की कार्रवाई नहीं हो पाई। सिंघई कॉलोनी में चल रहे व्यवसाय पर कार्रवाई होने पर अब पंचकोशी मंदिर के पास कई मकानों में व्यापार चलाया जा रहा है। पंचकोशी मंदिर, कबूतर खाना, दाल मंडी में अखाड़े की ओर कैमरे लगाए जाएं और अवैध कारोबार रोकने एवं अवैध संपत्तियों की जांच एवं कार्रवाई करने पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अपराधियों के अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति राजसात की जाए व उनके सशस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएं। उक्त कार्रवाई की योजना बनाकर मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के महात्मा गांधी वार्ड के निवासियों को शांति और सुरक्षा दी जाए। यदि जल्द ही हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगे जो भी घटना घटित होगी उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। सभी कॉलोनी वासियों ने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की मांग भी की है। कुछ दिनों पहले हमारे चाचा मुन्ना अवस्थी जी, जो कि उनको शुगर है, वॉक करते हैं। अनुराग ठाकुर द्वारा ये बोला गया कि आप यहाँ से नहीं निकलोगे क्योंकि हम शराब पी रहे हैं। चाचा बोले, आप शराब पियो, हम लोग भाई अपनी वॉक कर रहे हैं। तो उसने हाथ पकड़ के चाचा से झगड़ा किया और बोले, आप शराब नहीं पियोगे। तो चाचा चुपचाप घर आ गए। चाचा ने कुछ नहीं बताया। कुछ क्षेत्रीय लोगों ने बताया शुभम को कि तुम्हारे पापा के साथ शराबखोर, सटोरिए, अवैध काम करने वाले बदतमीजी कर रहे हैं और गाली गुफ्तार कर रहे हैं। क्योंकि चाचा जी सीधे हैं, शुभम गया, बातचीत हुई, कहा सुनी हुई, उसके बाद हम लोग घर आ गए। उसके बाद सटोरिया नरेश ठाकुर वहाँ आता है, हम लोगों को गंदी गंदी गाली बकता है। उसके बाद गाली जब उसको समझाया जाता है कि भैया आप अपने भाई को समझाओ, हम अपने भाइयों को समझा के रखते हैं, हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, तो उसने बोला तुम हमारा सट्टा बंद करा रहे हो। चूँकि पुलिस द्वारा बंद करने की कार्रवाई सट्टे की गई थी, तो उसको हमेशा शक रहता था कि सट्टा हम लोग ने बंद कराया। उन्होंने मेरे भाई की उंगली काट दी, उंगली सुधरने की कोई चांस नहीं है, नीली पड़ चुकी है, हमारे भाई की उंगली ख़त्म की ओर है, उसको 5 घाव पाए। हम पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि अपराधी पूरे पकड़े जाएं। थाना लॉर्डगंज में कुछ दिन पहले 307 का अपराध कायम हुआ था, उसमें कुछ चिन्हित बदमाश थे। उस प्रकरण में अभी तक 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, 3 लोग अभी फरार हैं जिनको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा और लगातार पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। और इस साल भी करीब 203 बार जो इनके यहाँ पर रेड की गई है और लगातार कार्रवाई चल रही है, जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है और इस पूरे प्रकरण में सख्त कार्रवाई